अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह मैं अभी जा रही हूँ बस मेरी गाड़ी का पैसा देने के लिए। पहले हम लोगों ने टोकन दे दिए थे, हाँ। टोकन दे के हमारी गाड़ी को बुक किए थे। अभी फाइनली पैसा देने के लिए मैं और आसिफ जा रहे हैं, और आज पैसा देने जाना था करके। कितने बजे का टाइमिंग था उनका? 12:30 का टाइम था, इधर 1:30 बजे। उन्होंने बोले शाम को या दोपहर में, बोले मेरे को शाम को नहीं आने मिलेगा क्योंकि हमारा रोजा रहता है, इफ्तारी बनाना रहता है। मैं बोली मैं आऊंगी कम से कम 1 से 2 के बीच में। हाँ। अभी वहाँ पर जाऊंगी, जल्दी उठ गई, नहाई धोई, अभी वहाँ पे जाऊंगी, वहाँ पे पैसा वैसा सब दे के क्या बात भी करके फिर आके इफ्तारी बनाने का स्टार्ट करूंगी। आज की इफ्तारी बहुत स्पेशल रहेगी गाइस, आप लोग जरूर मेरे अफरोज किचन पे देखना, आप लोगों को भी मजा आएगा देखने के लिए और बनाने के लिए भी, है ना। फिर उसके बाद में फिर और मेरे बहुत से काम है वो भी मैं करने वाली हूँ। तो आज दिन भर अपने साथ में ही मैं आप लोगों को रखूंगी, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहना। बराबर बोले ना आसिफ। तो चलिए चलिए मैं और आसिफ जा रहे हैं। तो आप सोके उठ के फटाक से अपने नहाने चले गए ना। हाँ। इसके लिए चेहरा ऐसा लग रहा है एकदम बड़ा। हाँ, बड़ा बड़ा। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। दोनों सो गए थे। मां बेटे मैं कभी सोई, मम्मी ने अंडा भुर्जी बनाए, रोटी बनाए, पराठे, सहरी की नमाज पढ़े, हम लोग सो गए, चाय बनाई, दूध गरम की, इन लोगों सबको खिलाई, उसके बाद मैं खाई, उसके बाद में फिर हम लोग सो गए। आज कुछ टॉपिक भी करने वाली हूँ, कभी वो टॉपिक मैं बाद में करूंगी, रेसिपी बनाने के समय, है ना। आज बहुत बातें भी है आप लोगों के साथ में, और आज तो आप लोगों को मेरा काम भी दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, माशाल्लाह यहाँ पे हमारी पेमेंट हो चुकी है, बस अभी यहाँ से निकल रही हूँ। भाई ने अच्छे से बहुत अच्छे से समझाए मुझे कैसे करना है क्या करना है, और आगे का काम भी हमारी गाड़ी का बाकी है थोड़ा, तो वो हम बाद में करेंगे। और एकदम टकाटक आ रही है ना, बेशक बेशक बेशक। जैसे आप खाना बनाते हो वैसी ब्यूटीफुल गाड़ी। भाई भी देख लिए मेरा कुकिंग। कुछ पूछना है? हाँ? कुछ पूछना है? नहीं कुछ नहीं पूछना। थैंक यू सो मच। चल तो यहाँ पे मम्मी को टेंशन आ रही कैसी रहेगी अपनी गाड़ी। तो इधर एक टाटा नेक्सॉन खड़ी है, ये इलेक्ट्रिक वाली है, लेकिन तो मम्मी बोल रहे सेम ऐसी रहेगी अपनी गाड़ी, लेकिन ये कलर ब्लू है, हमारी ब्लैक रहेगी। हाँ, लंबे से ब्लैक ही दिख रही है, लेकिन ये ब्लू अंदर से भी ऐसा पूरा ब्लैक। खोलो ना देखो, ऐसी चलेगी सेम पूरा। सेम ऐसी रहेगी अंदर से, खाली ये इधर ये ना गोल गोल दिया है ना, ये नहीं रहेगा अपना, अपना ऐसा गियर करेगा। ये तो ऑटोमेटिक वही है ना, इलेक्ट्रिक वाली है, तो सनरूफ भी रहेगा ऊपर। हाँ उस दिन दिखाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, हो गया यहाँ पे सब हमारा। अभी बस ईद के दिन आना है, गाड़ी को लेकर जाना है। माशाल्लाह दुआ करना आप लोग, क्या जैसी लाल वाली गाड़ी हमें फली, ये भी गाड़ी हमें ऐसी फले, है ना। बराबर। मुझे बहुत टाइम हो रहा है, मुझे ऐसे पे शूट करनी है। तो गाइस चलिए मैं आ चुकी हूँ गाड़ी के शोरूम से घर पे, और आने के साथ में मैंने इफ्तारी बनाना, मतलब टाइम हो गया के आने के साथ में मैंने इफ्तारी बनाने की तैयारी की। तो आज इफ्तारी में मैंने बनाई हूँ चिकन खप्सा, अरबियन चिकन खप्सा, है ना, और बहुत टेस्टी है, बहुत जबरदस्त है। उसके साथ में एक जूस बनाने वाली हूँ जो अरबियन जूस है, बराबर, है ना। अभी आप लोग उसे देखेंगे तो बोलेंगे कि ये इंडियन है, मतलब मोजिटो। हाँ। तो मगर कुछ इसी तरह का वो अरबियन जूस भी बनता है। हाँ। तो चलिए मैं आपको सारी रेसिपी देखना है, तो आप लोगों को मेरे अफसोस किचन पे देखने मिलेगी। यहाँ पर मैंने हमारी तंदूरी रखी हूँ पकने के लिए, यहाँ पर देखिए मस्त एकदम कुकरुकू करके हमारी तंदूरी रेडी हो रही है ना। यहाँ पे हमारा खप्सा पक रहा है, राइस। हाँ दो खोलते नहीं दम हो रहा है। और मस्त सभी आ रहे हैं, इन लोग गए हैं फ्रूट लाने के लिए, तुम्हारे भाई और अशरफ, है ना। हाँ। उमरा भी जाना है मुझे थोड़ा, वहाँ पे बोलते कोई टेलर है वो अच्छे कपड़े सीता है, तो मैं बोली एक बार मैं एक ड्रेस उसके पास देके देखती हूँ कैसा है। हाँ।
तो अम्मी मैं रात को ना कमेंट पढ़ रहा था ना, तो उसमें ऐसा आया था कि तुम बस रेसिपी बनाते, खाना पकाते, इबादत नहीं करते। अच्छा हाँ, कभी कौन से वाले वीडियो पे? ये खाने के वीडियो पे। हाँ हाँ, अच्छी कमेंट भी आई है, बहुत अच्छी कमेंट भी आई है कि माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपकी इफ्तारी हम भी आपकी इफ्तारी ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब बोलते हैं कि तुम इबादत नहीं करते, सिर्फ खाना पकाते, इबादत भी करना जरूरी है। अच्छा, ऐसा लोग देखने आए क्या हमारे घर पे कि हम इबादत करते क्या नहीं करते? इबादत तो इन लोग मतलब दोनों तरफ से बात करते हैं। इबादत करते हुए अगर आप कुछ वीडियो बनाएंगे कि हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग कलाम पाक पढ़ रहे हैं, हम लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, हम लोग इबादत कर रहे हैं, अगर ऐसा वीडियो बनाएंगे तो बोलते कि दिखा के नहीं करने का। हाँ, दुनिया को क्या दिखा रहे? इबादत करते तो अल्लाह के लिए करते, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। बराबर, ऐसा बोलते ना। हाँ, पिछले साल बोले थे अपन, तुम लोग कलाम पाक पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रही थी, तो अपन सब तस्बीह पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए वीडियो बनाए थे, क्या बोले थे पिछले साल? दिखावा मत कर रहे, मत हाँ, करो, दुनिया को दिखावा कर रहे। हाँ, कि हम लोग इबादत कर रहे करके। हाँ, है ना, अब ये टाइम पे नहीं बता रहे तो बोलते का तुम लोग इबादत नहीं कर रहे, नहीं करते, मतलब चैट भी इनकी और पट भी इनकी। हाँ, है क्या नहीं? और रेसिपी बनाना और अपने फैमिली को खिलाना, उनका ध्यान रखना, वो भी एक इबादत ही है मेरे लिए। सवाब का काम है, सवाब का काम ही है। मेरे हस्बैंड का पेट भरना, वो उनको अच्छी अच्छा खाना पका के खिलाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने बच्चों को अच्छी इफ्तारी अच्छी सहरी देना, है ना, वो भी मेरे लिए इबादत से कम नहीं है। अगर मैं ये भी करती हूँ, अपने घर को साफ सफाई रखती हूँ, अपने घर पे ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली पे ध्यान देती हूँ, तुम्हारे जैसा ऐसे दूसरों की कमेंट में जाके पंचायत नहीं करती मैं, है ना, क्या कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है करके इस तरह की मैं पंचायत नहीं करती, है ना। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अपने मतलब से मतलब रखती हूँ, मतलब बोली ना से एकदम बराबर। हाँ, बस माशाल्लाह मैं सब कुछ करती हूँ मगर मैं किसी को दिखाती नहीं। हाँ, है ना। अभी मैं आला भी से वीडियो बनाना तू। हाँ आसिफ, मैं नमाज पढ़ते वक्त, तुम लोग पारे पढ़ते वक्त, अभी फिर दोनों चिट भी उनके पट भी उनके ही रहते ना, वो तो हर बात बोलते है सही बात। अभी मैं तो एक कमेंट अपने को तो एक कमेंट भी आई थी ना, रमजान चालू होने से पहले आप रमजान में इनके नखरे देखना। क्यों भाई, रमजान में क्या हम नखरे करते हैं? वही करते हैं ना। हाँ, रमजान में क्या नखरे देखना है क्या नहीं? रमजान में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी रमजान में तो वही अभी इफ्तारी बनाते हैं, वही खाते हैं, वही करते हैं, वही शॉपिंग करने जाते हैं, वही करते हैं, और क्या नखरे क्या अलग करते हैं? अभी तो मैं अबाया ली हूँ, है ना आसिफ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अभी तो मैंने अबाया ली हूँ पहनने के लिए। हाँ, अभी उन लोगों को नहीं बोलते जो अबाया आजकल फैशन के लिए पहना जाता है। हाँ, आजकल अबाया फैशन हो गया है, कभी पहनते कभी नहीं पहनते। अभी मैं भी पहन रही, पहनने वाली हूँ, मैं भी कभी पहनूंगी कभी नहीं पहनूंगी, तो सब लोग ऐसा कर रहे है ना। आजकल सब पहनते हैं, सब पहन रहे आजकल। हाँ, अच्छे अच्छे लोग पहनते हैं, कोई पहनते हैं कोई नहीं पहनते, ऐसी वैसा है। मैं भी ली हूँ दो अबाया ली हूँ, एक मेहंदी कलर का ली हूँ और एक ली हूँ व्हाइट कलर का। मेरा भी दिल हुआ मैं भी अबाया पहनू। हाँ, मम्मी ने बहुत लोग को बम्बई गए थे तो कुरला गए थे तो देखे थे तो अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने अब्बा को पूछे कि मैं लू क्या अबाया, अब्बा बोले ले पहन तेरी मर्जी। हाँ, तो मैं पहन रही हूँ। अब उस पे कितना नाम रखेंगे मेरे को, अभी अबाया पहनने लग गए, अभी ये करने लग गए, अभी कभी अबाया पहनते कभी जीन्स पहनते कभी साड़ी पहनते कभी ड्रेस पहनते। अरे मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, आपको क्या करना है? आप लोगों को तो सिर्फ बोलना है, आप लोगों को दूसरे के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है कि भाई दूसरा इंसान क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है, है ना। बस तुम लोगों को बस कमेंट वो देखेंगे, वीडियो पूरी वीडियो अच्छी रहेगी तो उसमें देखेंगे सोचेंगे कि कहाँ पे से हम लोग इसमें ढूंढे नुक्स ढूंढे, क्या हम इनको बोल सके। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इग्नोर ही करती हूँ। हम कमेंट पे इतना ध्यान भी नहीं देते, खाली वो कम ही पड़ते। खाली वो उस दिन मैं पढ़ रहा था कल तो इबादत का बोले तो मैंने अम्मी को बोला तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगा, वो अम्मी को भी नहीं अच्छा लगा। हम लोग इबादत करते ऐसा नहीं करते, हम लोग अम्मी भी इफ्तारी बनाते नमाज ही पढ़ते, मैं और अशरफ अब्बा तीनों जन नमाज पढ़ते। नहीं तो फिर ऐसे अल्लाह ताला हमको खुश रखे। हम तो अल्लाह ताला को इतना ये करते, तुम भी नहीं करते लेकिन जितना हम करते,
और अगर तुमको अगर अल्लाह ताला का खौफ रहता, अल्लाह ताला का डर रहता ना, तो तुम इस तरह से दूसरों के लाइफ में जाके दूसरों को बुरा नहीं बोलते। सबसे पहली बात तो गुनेगार तुम है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, तुम दूसरों को बुराई करते हो, दूसरों को बुरा बोलते हो। हाँ। फिर तुम्हारी 5 टाइम की नमाज पढ़ के इबादत करके भी कुछ फायदा नहीं, जब तुम सामने वाले पे उंगली उठाएंगे तो सामने वाले को नाम रखते हो। हम नहीं वो काम करते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते। बराबर। हाँ जान दो, छोड़ो, चील चील इफ्तारी बनाओ। तो हो गया, रेडी हो गया ना सब? हो गया, सब हो गया, बस माशाल्लाह। बेकदम थाली निकालने का, ऊपर से प्लेट में सब निकाल देती हूँ मैं। हमारी बच्ची ने दुआ पढ़िया, आप लोग इसको बहुत सारी दुआएं देना। इसका नाम हिबा है, हिबा बोलो, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। हम लोग भी आपको दुआ में याद रखेंगे, हम लोग भी आपको आपको दुआ में याद रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। आ जाओ रोजा खोलने। पानी दिया तो।